नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बसों को चलाने में ऐतराज जताने वाले बस संचालक शासन के नए आदेश के बाद भी बसों का संचालन शुरू नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 20 अगस्त से तमाम जिलों में बसों के संचालन की अनुमति दी थी और उनकी मांगे भी मान ली थी, लेकिन इसके बाद भी इक्का दुक्का बसें ही सड़क पर लौटी हैं। बसों के न चलने के कारण जहां आम जनता बुरी तरह से परेशान है, तो वहीं बस संचालन में पूरी अर्थव्यवस्था के हिस्से रहे ड्राइवर, कंडक्टर सहित अन्य लोग भी आर्थिक समस्याओं से जूझने लगे हैं। छतरपुर जिले से इस खबर पर हमने कई उन लोगों से बात की जो यात्रा करना चाह रहे हैं और उन्हें बसें ना मिलने के कारण निजी वाहनों की लूट का शिकार होना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो में देखिए आज की इस ज्वलंत खबर को। टैक्स की माफी सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे यात्री बस मालिकों के साथ शासन की लंबी बातचीत संपन्न होने के उपरांत 20 अगस्त से यात्री बसों के पटरी पर लौटने के आदेश हुए थे, लेकिन शासन के आदेश के बावजूद यात्री बसें संचालित नहीं हो रही हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भले ही बसों के संचालन के लिए आदेशित कर दिया गया हो, लेकिन छतरपुर शहर में अभी भी बसों का संचालन रुका हुआ है। बसों का संचालन न होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यात्रियों का कहना है कि भारी मात्रा में वसूली की जा रही है। हम लोगों को जहाँ एक तरफ 20 रुपये लगते थे, आज वहीं का किराया 400 रुपये लिया जा रहा है। बसों के संचालित न होने के कारण जहां आम जनता आवागमन के लिए परेशान है, तो वहीं इस मौके का फायदा उठाकर टैक्सी और अन्य यात्री वाहनों के द्वारा किराए के नाम पर खुली लूट की जा रही है। छतरपुर बस स्टैंड पर लूट के शिकार हो रहे ऐसे कई यात्रियों ने अपनी आप बीती सुनाई और प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई। धोरी से तक आई तो कितनी पैसा लगी? 400 रुपया लगा। टेम्पू वाले ने उतर से 400 रुपया लगा दी। तो हमारे अच्छा पान जाने जी, हमारे बहू के लड़का है और बेटो तो ना नाती नता है। और पहले कितनी लगती थी रुपया? और पहले तो बेटा 20 रुपया से हम छतरपुर आ जाते और छतरपुर से धोरी चले जाते 20 रुपया में। बस स्टैंड पर ग्राम धोरी से आए एक मजदूर परिवार ने किराए के नाम पर हो रही लूट की व्यथा सुनाई। धौरी निवासी महिला उत्तरा ने बताया कि वो परिवार के चार लोगों के साथ मजदूरी के लिए पंजाब के लुधियाना जा रही है। परिवार के लोग सुबह गांव से जिस टैक्सी को लेकर छतरपुर बस स्टैंड पहुंचे, उसने 400 रुपए लिए हैं। बस स्टैंड से झांसी तक जाने के लिए भी बसें नहीं हैं। यहां खड़ी कुछ जीपें झांसी के लिए भी 350 से 400 रुपए किराया मांग रही हैं, लेकिन जीवन यापन के लिए मजदूरी करने जाना जरूरी है, इसलिए वे लोग इस किराए को भुगतने के लिए मजबूर हैं। इसी तरह दिल्ली जाने वाले मजदूर गणेश ने बताया कि झांसी और सतना के लिए कोई वाहन नहीं मिल रहा, इसलिए कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं और जीप वालों से मोल भाव कर रहे हैं। जीप चालक अपनी मनमर्जी का किराया थोपने में जुटे हैं। परेशानी है, सबके साधन वाधन कुछ है नहीं है, ठीक है, बच्चे हैं, सब चीज़ है, जाना है दिल्ली, जाना है पंजाब, जाना है कमाई की, मतलब जो भी रोजी रोटी के लिए जाना है, उसके लिए साधन कुछ है नहीं है। शासन से पता चला था कि 20 तारीख से बसें से चालू होनी है, इस चक्कर में पड़े हैं, सुबह से पड़े हैं, अभी 4 बज गए हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है और पैसा उल्टे सीधे मांग रहे हैं। बसों के बंद होने का असर सिर्फ सवारियों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि बसों के संचालन से चलने वाली अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। बुंदेलखंड कंपनी की बस चलाने वाले विश्वनाथ कॉलोनी निवासी ड्राइवर गोविंद विश्वकर्मा ने बताया कि 5 महीने से बसें बंद हैं और वेतन नहीं मिल रही, यही वजह है कि अब परिवार भूखों मर रहा है। गरीबी रेखा का राशन कार्ड है नहीं तो सरकार से कोई मदद नहीं मिली, बस की ड्राइविंग के अलावा कोई दूसरा काम आता नहीं, इसलिए घर चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में 6 महीने से गाड़ी बंद है, इसलिए ना हमारे पास कोई धंधा है ना कोई रोजगार है, इसलिए हम लोग भूखन की स्थिति, मरने की स्थिति में है। कोई धंधा नहीं है, भूखन के मारे मरते हैं हम लोग, दो दिन में एक दिन खाना खाते हैं। तो शासन का आदेश है 20 तारीख से बसें चल रही, तो फिर क्यों नहीं? अब वो बसें टैक्स की वजह से बसें, मोटर मालिक बसें नहीं चला रहे हैं, है ना, टैक्स माफ करने के लिए कह रहे थे तो वो नहीं हुआ, तो इसी वजह से मोटर नहीं चल रही है और हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोगों को कोई धंधा नहीं है। प्रशासन को कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था कि कोई मदद की जाए हमारी, तो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आवेदन को कोई मिला ही नहीं।
इस मामले में आरटीओ छतरपुर सुनील राय सक्सेना का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार सभी बस संचालकों को 20 अगस्त से बसों के संचालन की जानकारी दे दी गई थी। कुछ बसें संचालित हो रही हैं, पुनः सभी से बात की जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देश भर की खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कर सकते हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार को। साथ ही अब तक अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें, इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब sbcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। sbcitymart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं, 100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा UPI या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5-25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में SB Mart पर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9179853535।